नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। बात करेंगे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, जिसके एमएमएस कांड से पूरे देश में हड़कंप है। इस पूरी साजिश को कैसे अंजाम दिया गया, इसकी पड़ताल जारी है। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे सवाल जवाब का दौर लगातार जारी है। न्यूज इंडिया की टीम भी सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है। न्यूज इंडिया के न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल ने एमएमएस कांड की आरोपी छात्रा के चाचा से सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। न्यूज इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर है। लगातार कोशिश ये है कि जितने भी राज पर्दे के पीछे हैं उसको बेपर्दा किया जाए। हम ग्राउंड जीरो पर इसलिए आए, और आप सोचिए कि दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर हम यहाँ पे हैं, और हम इस वक्त रोहणू में हैं, और रोहणू में तमाम चीज़ों की तस्दीक करने के लिए, पता करने के लिए, पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम यहाँ पे हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ एक तरफा चीज़ें ना दिखाई जाए, दोनों चीज़ें सामने आए, दोनों पहलू आए, सिक्के के दोनों पहलू की तरह। और इसीलिए हम इस वक्त रोहणू में हैं, और हम ये जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर पूरे मामले में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लेक है, क्या कमियां हैं, और कैसे चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है। हम बहुत मुश्किल से उस बच्ची के परिवार से मिले, उनकी स्थिति हम समझ सकते हैं। पिताजी की हालत इस वक्त बात करने की नहीं है, माता जी बात नहीं करना चाहती है, लेकिन चाचा जी को हमने बहुत तैयार किया है, बहुत मुश्किल से, और वो तैयार हुए हैं हमसे बात करने के लिए, क्योंकि उनका साफ कहना है कि न्यूज़ इंडिया क्योंकि निष्पक्षता से इस पूरे खबर को दिखा रहा है, इसलिए हम आपके साथ हैं और हम ये सीधी बात जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस वक्त क्योंकि ये बहुत परेशानी का सबब है, आपको परेशान करना नहीं चाहता था मैं। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको इस पूरी कहानी के पीछे? सर, इस बच्ची का अभी 15-20 दिन पहले तो एडमिशन कराया गया है। इतनी जल्दी तो दोस्त वगैरह बन नहीं सकते इसके, ठीक है ना जी। बच्ची ऐसे नादान है, ना समझ है बच्ची बेचारी, अपसेट रहती है। अगर इसको शॉप में बाई चांस बैठती है, कोई इसको 50 रुपये देगा तो ये रिटर्न करने के लिए बोलेंगे कि 30 रुपीज़ वापस करने हैं, पर ये वो भी इतनी नॉलेज नहीं है लड़की को। हालांकि पढ़ रही है कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ भी पढ़ी है, ठीक है जी। तो क्या बोल सकते हैं, सिर्फ 15 दिन हुए अभी उसको कॉलेज, 15-20 दिन हुए कॉलेज में एडमिशन लेकर उसको, मुश्किल से जी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। हाँ जी। और उसके बाद इस तरह की जब हादसे आपने सुने होंगे, आप लोगों ने, आपके परिवार ने, तो कैसा उस वक्त सर एकदम धक्का लगा मार को भी, भाई इतनी अच्छी लड़की, बैठने उठने वाले मिलनसार लड़की, उसके साथ ये हादसा, उसको एक्चुअली में फंसाया गया, ठीक है जी। टॉर्चर कर करके, तू ऐसे कर, फलाना कर, ढिमका कर, उसको बेचारी को फंसाया गया लड़की को। बाकी लड़की ऐसी नहीं है, अच्छे परिवार से लड़की है, अच्छे परिवार ताल्लुक रखती है जी, बिल्कुल ठीक है जी। आप लोग तो बहुत नज़दीक हैं, आप लोग जानते हैं सारी चीज़ें, बहुत टाइम से जानते हैं जी। और एक बात और, मतलब उसकी पढ़ाई लिखाई का कैसा था, उस पढ़ने उड़ने में कैसी थी, पढ़ने में सर थोड़ी वीक भी थी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। बाकी थोड़ा माइंड में भी उसके है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, टेंशन भी लेती है, फालतू किसी से बात नहीं करनी उसने, लेना ना देना, ठीक है ना जी, ऐसी लड़की है वो। बाकी ऐसा परिवार भी अच्छा है, मदर फादर भी अच्छा है। आपको लगता है कि कानून पे आपको भरोसा है, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए। इतनी अच्छी लड़की, या तो ऐसी वैसी लड़की हो, बदचलन हो, या कैसी लड़की हो, उसकी तो मानते हैं उसकी बात, पर ये अच्छे परिवार से लड़की है, इसको तो इंसाफ मिलना चाहिए 101% जी। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आपके ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे हम, आप सारी स्थिति समझ रहे हैं, कि आपको लगता है कि जो चीज़ें अभी इस वक्त मीडिया में तमाम जगह पे चीज़ें चल रही हैं, इन सब चीज़ों के चलते बड़ा नुकसान हुआ है परिवार को? या परिवार को तो नुकसान होता ही होता है जी, परिवार तो दुख पे पहुँचेगा। कल को फादर बीमार रहते हैं, कुछ उनको हो जाए कौन संभालेगा उनको, ठीक है ना जी। बाकी तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, परिवार इतना अच्छा, चाचा चाची। लेकिन आपको उम्मीद है कि चीज़ें मिलेगा, इसको इंसाफ मिलेगा, पक्का मिलेगा जी, इसको इंसाफ मिलना भी चाहिए इस लड़की को। ना समझ लड़की है बेचारी, इसको टॉर्चर करके फंसाया गया, बाकी कुछ नहीं है, अच्छी लड़की। आपको लगता है कि कॉलेज प्रशासन भी बहुत, मतलब इसमें लिपा पोती, कॉलेज प्रशासन अगर वहाँ पे पढ़ाने के लिए बच्चे भेजा आपने, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो बनती है? वो तो कॉलेज वालों की बनती है जी, बच्चा हमारा कॉलेज में आया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा, उसकी तो वार्डन की जिम्मेवारी होती है ना उसकी, या उनका जो प्रिंसिपल है, या और क्या वॉचमैन है, जो भी है, उनकी बनती है ना जी, भाई बच्ची यहाँ बेटा तू कहाँ जा रही है, क्या कर रही है,
बस मेन तो वही होता है ना जी, बच्चा बाहर भेजता है अपने, क्या बोलते हैं, बच्चों को बाहर भेजता है पढ़ने के लिए, बच्चे माँ बाप की जिम्मेवारी इतनी ख़त्म हो जाती है, वो कॉलेज वालों की जिम्मेवारी होती है जी। बिल्कुल, आप लोगों को ये भी चिंता होगा, आप लोगों ने जब सुना होगा कि 60 बच्ची या 70 बच्चे, क्योंकि आप बच्ची के बाप हैं। सबकी बच्चियाँ बराबर होती हैं जी, मेरी बच्ची हो, आपकी बच्ची हो, किसी बच्ची हो, सबकी एक समान है जी। हमने कभी भेदभाव रखा नहीं बच्चियों के बारे में, बेटा बेटी एक समान, ठीक है ना जी। बाकी ईश्वर मालिक है जी, करने कराने वाला वही है, हम तो क्या है। इस दुख की घड़ी में हम लोग भी आपके साथ हैं, न्यूज़ इंडिया का पूरा परिवार आपके साथ है, और हम चाहेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए, और जो सच है वो सच सामने आए, और झूठ का पर्दाफाश हो। इसीलिए ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, और लगातार हम सच को सामने लाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। कैमरा उपेंद्र के साथ आशिफ इकबाल, रोहड़ू, हिमाचल।